नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। वीरान मकान में खजाने के लिए अज्ञात लोगों ने की खुदाई। दो बड़े संदूक बरामद। सैकड़ों वर्ष पुराने संदूक को खोलने की कवायद प्रशासन की उपस्थिति में हुई। बड़ी मशक्कत के बाद तिजोरी खोलने पर निकली खाली। प्रस्तुत है गंज बासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। जी हां, नगर के गांधी चौक स्थित विजय महेश्वरी राजेश महेश्वरी के पुराने वीरान मकान में विगत दिवस अज्ञात लोगों द्वारा खुदाई की सूचना देहात थाना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की। सूचना पर महेश्वरी परिवार के राजेश महेश्वरी भी मौके पर उपस्थित हुए। मकान का जब पुलिस ने मुआयना किया तब मकान के अंदर करीब 4 फीट चौड़ा एवं 5 फीट लंबा व करीब 12 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, जिसकी निकली हुई मिट्टी पास में एवं बगल के एक अन्य कमरे में एकत्रित की गई थी। मिट्टी एवं निकले मटेरियल की स्थिति से स्पष्ट था कि घटना ताजा घटित हुई है। मौके से दो अलग अलग कमरों से दो बड़े बड़े संदूक भी मिले, जिसमें से एक बड़ा संदूक एवं एक छोटा संदूक था, जिन्हें अज्ञात चोरों द्वारा सबल छेनी के साथ अन्य हथियारों द्वारा तोड़ने एवं खोलने का प्रयास किया गया। वहीं महेश्वरी परिवार के अनुसार यह संदूक रूपी तिजोरी उनके बुजुर्गों की है, जिस पुराने मकान में बरसों से रखी हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद प्रयास करने पर तिजोरियां खाली निकली।